तो ये गाड़ी है स्विफ्ट पेट्रोल 2021 का मॉडल, टॉप ऑफ द लाइन ऑफ द वेरिएंट स्विफ्ट पेट्रोल 21, जिसकी ये एक लाइट फूटी हुई है फ्रंट से और रियर से डैमेज है। ये देखिए फ्रंट की ये लाइट है जो डैमेज है, ये वाली लाइट फूटी हुई है और पीछे डिग्गी के पास। और भाई ये इसका पिछला ट्रंक है जो कि पीछे से डैमेज है, बम्पर और अपनी डिग्गी डैमेज है और कुछ नहीं, फिर टूटी है। और इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये रही साइड प्रोफाइल, साइड में इसका एक भी स्क्रैच नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ्रंट और रियर से ही डैमेज। साइड इसकी क्लियर है भाई, बस इसकी एक ये लाइट और पिछली डिग्गी। हम गाड़ी के अंदर देखिए भाई, ये खोला गेट आयर ब्लास्टर्स है कुछ भाई, इस तरीके की अंदर की प्रोफाइल है गाड़ी की। गाड़ी एकदम अंदर से कोई भी डैमेज नहीं है। गाड़ी का बीमा कंपनी मेनली मीटर भी चेक करती है, मीटर की रीडिंग क्या आ रही है गाड़ी के, ये हमने दबाई कीलेस है गाड़ी, ये देखिए इसके मीटर की भी रीडिंग चेक करती है जो कि यहाँ आती है रीडिंग। ये बंद, ये देखिए यहाँ से आता है ट्रिप का, ये दिया ट्रिप, ये है 13,668 किलोमीटर चली हुई स्विफ्ट। फ्रेंड्स मेरा नाम है निखिल राणा और आप मेरा चैनल देख रहे हैं, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपको गाड़ी का क्लेम लेना हो, शोरूम पे जाते हैं तो शोरूम पे 15 से 20 दिन की वो वेटिंग बताते हैं, 25 दिन भी, फिर वो आपकी गाड़ी में काम करते हैं। 7-8 दिन का ही काम रहता है मगर वो पूरा ड्यूरेशन मिला के 1 से 1.5 महीना पहुँचा देते हैं। जैसे अब माइनर सा एक्सीडेंट हुआ कार का तो वो लेने में बहुत दिक्कत जाती है, मेजर में कोई प्रॉब्लम नहीं है माइनर में। तो ये हमारे पास स्विफ्ट आई थी पेट्रोल, जो कि 2021 का टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है। इसमें ये गाड़ी की आगे से डैमेज थी और रियर से जो डिग्गी है वो डैमेज है। 30 दिन का टाइम बोला था भैया के पास, एक ही गाड़ी थी, भैया ने बोला क्या क्या होता है, लोकल वर्कशॉप पे भी आपके जो घर के आसपास होंगे वो कंपनी से भी जल्दी क्लेम दिला सकते हैं। RC ऑफ कार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये इनसी जेरोक्स लगती, क्लेम फॉर्म जो रहता है, क्लेम फॉर्म सीधे जहाँ आप वर्कशॉप पे डालोगे वो भैया अरेंज करा देंगे, उस पर आपके सिग्नेचर लगेंगे और एस्टिमेट भी वही वर्कशॉप वाले बना के देते हैं। वर्कशॉप पे आप गाड़ी बनवाओगे वही वर्कशॉप वाला ऐसा उसके नाम का एस्टिमेट बना के दे देगा और जो जो गाड़ी में डैमेज रहेगा कुछ इस टाइप का रहता है एस्टिमेट जो बीमा कंपनी में लगता है, जिसमें सील साइन होना मैंडेटरी रहता है, क्लेम फॉर्म रहता ही है। और इसके साथ साथ अपना कैंसिल चेक भी लगता है जो कि यहाँ इसमें पीछे लगाया, ये भी लगाना ज़रूरी रहता है, या फिर बैंक की पासबुक, क्योंकि जो कंपनी रहती है वो अपने अकाउंट में पैसे डाल दूँ। जो बीमा कंपनी रहती है वो कभी भी कोई भी गाड़ी का क्लेम देने से पहले उसकी पुरानी फ़ोटो चेक करती हैं, जिसमें वो जैसे इसकी ये लाइट थी तो ये लाइट इसकी एक्सीडेंट से पहले नहीं फूटी होगी, ये एक्सीडेंट के बाद फूटी है। तो कोई भी बीमा कंपनी हो वो अपनी लाइट पहले चेक करती है फ़ोटो में, पुराने रिकॉर्ड में, फिर उसको क्लेम देती है कि गाड़ी की पहले फ़ोटो कैसी थी। और एक बात और, जैसे इस गाड़ी का ये फ्रंट और रियर डैमेज है तो कंपनी क्लेम देगी, या फिर कंपनी एल शेप में क्लेम देगी, कंपनी कभी भी सी में क्लेम बहुत कम ही देती है, पूरी गाड़ी चारों साइड से कभी कवर नहीं करती है, फ्रंट, राइट, लेफ्ट, रियर और लेफ्ट, ये कभी कवर नहीं करती, या तो पहले वो सी में कवर करेगी या फिर वो फ्रंट और रियर का ही क्लेम देगी बस। ये देखिए भाइयों, इसकी जो ये नई गाड़ी थी तो इसकी कोई दिक्कत नहीं, कंपनी में फ़ोटो इसकी नई होंगी जिसमें लाइट माइट कुछ भी फूटी नहीं होगी, सब क्लियर होगा।